हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निमी जी नेट पर। दोस्तों आज हम पीपल एंड एनवायरनमेंट के अंदर प्राकृतिक आपदा यानी कि नेचुरल डिजास्टर के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों इसमें से आज तक बहुत से क्वेश्चन आए हैं और हर बार एक से दो क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो प्राकृतिक आपदाएं कितनी तरह की होती है और उनसे क्या क्या इफ़ेक्ट हुए और अपने जो इतिहास उसके अंदर कौन सी नेचुरल डिजास्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उन सभी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आप पूरा देखना और ध्यान से देखना। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्राकृतिक आपदा होती क्या है। एक प्राकृतिक आपदा एक प्राकृतिक जोखिम यानी कि नेचुरल हैजार्ड का परिणाम है, जैसे कि ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप, भूस्खलन इत्यादि। यानी कि इसमें क्या होता है दोस्तों, अगर कोई भूकंप आ जाए या सुनामी आ जाए या फिर भूस्खलन हो जाए तो उससे हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ये सारे के सारे क्या होते हैं, नेचुरल होते हैं, नेचुरल तरीके से हमारा नुकसान होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक आपदा कहते हैं। ये हमारे लिए बस थोड़ा बेसिक समझने के लिए ज़रूरी है कि क्या होता है। और इसमें जो मेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा वो ये आएगा दोस्तों कि जो कोई दे देंगे कि जैसे हेथी तूफान है वो कहाँ पे आया था, सुनामी है वो कब कौन सी ईयर के अंदर आई थी, तो वो हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में जैसे कि प्राकृतिक खतरे हैं, अब देखिए इसके अंदर क्या होता है कि जैसे मान के चलते हैं कि भूकंप आ गया, भूकंप आने से जो सुनामी उठती है तो उसे हम क्या कहेंगे, प्राकृतिक खतरे कहेंगे। तो ये दोनों के दोनों एक दूसरे से मिलते हुए हैं। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों, हमारे जो प्राकृतिक आपदा है वो कितने तरह की होती है उनके बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों इसमें से टाइप में से भी क्वेश्चन आए हैं कई बार, तो इनके सभी टाइप हम देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं भूगर्भीय आपदा, यानी कि भूमि से जो जो आपदा होती है। एक होता है ज्वालामुखी, फिर होता है भूकंप, फिर होता है भूस्खलन, फिर होता है हिमस्खलन, फिर होता है सिंक होल। और इनके बारे में हम आगे से डिटेल से पढ़ेंगे दोस्तों, पहले हम देख लेते हैं इन सभी के टाइप देख लेते हैं। फिर हमारे पास जलीय आपदा, जलीय आपदा के अंदर जैसे सबसे प्रमुख है वो है हमारी बाढ़ आती है, उसके बाद लिम्निक उद्गार आता है, फिर है सुनामी, फिर है बादल का फटना। और उसके बाद दोस्तों अगर मौसमी आपदा की बात करें तो इसके अंदर बर्फानी तूफान आ गया, चक्रवात आ गया, सूखा आ गया। दोस्तों सूखे से एक बार क्वेश्चन आया था कि भारत के अंदर सबसे ज़्यादा जो प्राकृतिक आपदा होती है वो किस वजह से होती है, तो उस टाइम पे ये करीब 2012-13 में आया था, उस टाइम पे सूखा था। लेकिन आज के टाइम में हो सकता है कोई और प्राकृतिक आपदा सबसे बड़ी हो, तो वो हम आगे देखेंगे। और आगे दोस्तों हमारे पास जैसे कि गर्म लहर है, जैसे लू वगैरह चलते हैं उससे काफ़ी नुकसान होता है, फिर है जैसे शीत लहर, फिर है हरिकेन। और उसके बाद हम बात करते हैं जैसे टॉर्नेडो हो गया, उसके बाद है दोस्तों जैसे कि आकाश गंगा के अंदर हमारी जो जो आपदाएं होती है, जैसे उल्का पिंड एक दूसरे के साथ टकरा जाते हैं वो हो गया। और उसके बाद जैसे कि मानव के द्वारा जो जो आपदा हो सकती है वो क्या हो सकती है, जैसे वायु एवं जल प्रदूषण, ये एक बहुत बड़ी आपदा आज के टाइम में बन रही है। मृदा अपरदन यानी कि मिट्टी को जब हम काट रहे हैं तो उससे भी काफ़ी नुकसान हो रहा है हमारा। बांध जनित भूकंप हो गया, भूस्खलन हो गया, तो काफ़ी तरह की ऐसी क्रियाएं हैं जो मानव करता है और उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। उसके बाद में जैसे हम बात करें कि रासायनिक आपदा, रासायनिक आपदा के अंदर जैसे कि नाभिकीय विस्फोट हो गया, रेडियोथर्मी विकिरण हो गया, सागर में तेल वाहक टैंकरों से पेट्रोलियम का रिसाव हो गया। और उसके बाद हम जैसे बात करें जैविक आपदा, जैविक आपदा के अंदर जैसे जनसंख्या विस्फोट हो गया, युद्ध का आक्रमण हो गया, महामारी हो गई यानी कि कोई बीमारी हमारे क्षेत्र में फैल गई है, तो ये होता है। और उसके बाद में जैसे प्रौद्योगिकी आपदा की बात करें तो हम इसके अंदर परिवहन दुर्घटना हो गया, यानी कि हर साल बहुत ज़्यादा दुर्घटनाएं होती है, और औद्योगिक दुर्घटना होगी, नाभिकीय युद्ध वगैरह हो गया, तो ये सभी किसके अंदर आते हैं, प्रौद्योगिक आपदा के अंदर आती है। तो दोस्तों एक क्वेश्चन टाइप में से पहले आ चुका है, तो आप थोड़ा एक बार ध्यान से दे लेना, शायद क्या पता है उसी में से क्वेश्चन आ जाए। और अब बात करके दोस्तों जैसे कि भूकंप है, भूकंप है इससे क्या क्या इफ़ेक्ट होता है और आज तक कहाँ कहाँ पर कितना भूकंप आया है। पृथ्वी की सतह से अचानक हिलने को भूकंप या भूचाल कहते हैं। इसमें धरती की दरारें पड़ जाती हैं, तेज झटके लगते हैं। और इसमें से एक बार क्वेश्चन ये आया था दोस्तों कि जो भूकंप है वो किसके द्वारा मापा जाता है, तो इसका आंसर था दोस्तों रिएक्टर स्केल और मर्केली स्केल था, तो ये चीज़ आप थोड़ा ध्यान दे लेना इसके अंदर। और
और दोस्तों रिएक्टर जो स्केल होता है वो 0 से लेकर 10 पॉइंट तक होता है। अब इसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं क्योंकि इसमें से पहले एक क्वेश्चन आ चुका है। अब देखिए 0 से लेकर 1.9 तक जो होता है उसको सिज्मोग्राफ से ही मापा जा सकता है। और अगर तूफान हमारा 2 से 2.9 तक आए तो हल्का सा कंपन होता है, और 3 से 3.9 आए तो कोई ट्रक आपके नज़दीक से गुजर जाए ऐसा एहसास होता है। तो पूरा का पूरा दिया हुआ दोस्तों, जैसे कि हम बात करते हैं कि 5 से लेकर 5.9 तक आए तो फर्नीचर हिल सकता है, और 7 से 7.9 आए तो इससे क्या होता है दोस्तों, इमारत गिर जाती है, ज़मीन के अंदर पाइप फट सकता है। और जो दोस्तों 9 और 9 से ऊपर का जो होता है वो बहुत ज़्यादा भयंकर होता है, इसमें बहुत ज़्यादा तबाही हो सकती है। तो इसको आप एक बार देख लेना दोस्तों, इसमें से एक बार क्वेश्चन आया था, और इसमें से एक बार ये भी क्वेश्चन आया था दोस्तों कि जो रिएक्टर स्केल के ऊपर जो हमारा पॉइंट होता है, जैसे कि मान के चलते 3 से ये 4 पे जा रहा है, 1 बढ़ रहा है, तो इसकी जो गुण है, इसकी जो शक्ति है दोस्तों वो 10 गुना तक बढ़ जाती है। अगर हम मान के चले कि यहाँ से ये 1 से पढ़ के 3 हो जाता तो इसकी जो गुण है, इसकी जो शक्ति है दोस्तों वो 100 गुना बढ़ जाएगी। तो ये होता है इसका मतलब। तो इसमें से इस तरह से एक बार क्वेश्चन आ चुका है, तो आप इसको एक बार ध्यान से देख लेना। और इसके अंदर क्या है दोस्तों, पृथ्वी के अंदर की प्लेटों में हलचल और टकराने की वजह से भूकंप आता है। 26 जनवरी 2001 में गुजरात में विनाशकारी भूकंप आया था, इसमें 20,000 से अधिक लोगों की जान चली गई थी। और उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं सुनामी की। अब देखिए सुनामी का अर्थ है बंदरगाह की तरंगे, यानी कि जो हमारा समुद्र होता है, समुद्र के पास जो घाट होते हैं उन पर बहुत बड़ी बड़ी तरंगे आते हैं, उन्हें हम सुनामी कहते हैं। इससे क्या होता है दोस्तों, समुद्र तल में हलचल, भूकंप, दरार, विस्थापन इत्यादि हो जाता है। और ये जो लहरें हैं दोस्तों ये 15 मीटर ऊंची तक हो सकती है, रफ्तार दोस्तों 400 किलोमीटर प्रति घंटा भी हो सकती है। और दोस्तों 2004 के अंदर हिंद महासागर में सुनामी आने से 2.8 लाख लोग मारे गए थे, ये संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ी है दोस्तों। अब आगे बात करें दोस्तों हम चक्रवात यानी कि तूफान की। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है, हमारे देश में चक्रवात प्राय बंगाल की खाड़ी में आते हैं, ये समुद्र की सतह पर निम्न वायु दाब के कारण उत्पन्न होते हैं, ये तेज़ हवाएँ बारिश के साथ गोलाकार रूप में दौड़ते हैं जो समुद्र तट पर जाकर भयंकर विनाश करते हैं। यह रफ्तार के अनुसार 1 से 5 श्रेणी तक होते हैं, इनकी गति दोस्तों 280 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। और देश में 1839 में कोरिंगा चक्रवात आया था जिसमें 20,000 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। और उसके बाद दोस्तों जैसे हम बात करें कि हमारे पास है सूखा। अब देखिए सूखे के अंदर क्या होता है, सूखे में किसी भी स्थान पर कई महीनों सालों तक कोई वर्षा नहीं होती, जिसके कारण भूजल का स्तर बिल्कुल नीचे गिर जाता है। और ज़्यादातर जो सूखा है दोस्तों वो राजस्थान के अंदर रहता ही रहता है, और इससे दोस्तों हमारा जो खेती पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। और अब ये देखिए दोस्तों 3 तरह का हो सकता है, एक मौसमी सूखा हो सकता है, एक जलीय सूखा हो सकता है, और एक कृषि संबंधी सूखा हो सकता है। कई महीनों तक वर्षा नहीं होने से भूजल का अत्यधिक दोहन, यानी कि जब ट्यूबवेल वगैरह से बहुत ज़्यादा हम पानी खींचने लग जाते तो वहाँ पर और भी ज़्यादा स्थिति खराब होने लग जाती है। और उसके बाद में जैसे हम बात करें दोस्तों हिम संकलन, यानी कि जो हमारे बर्फ़ के बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं वो पिघलने से क्या होता है कि हमारा जो समुद्र का सतह है वो काफ़ी बढ़ जाता है, और इससे काफ़ी तरह की प्रॉब्लम होने लग जाती है। उसके बाद है दोस्तों हमारे पास ज्वालामुखी यानी कि वोल्केनो। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, ज्वालामुखी में पृथ्वी के भीतर से गर्म लावा राख गैस का तीव्र विस्फोट होता है, यानी कि पृथ्वी के अंदर से जब राख निकलती है या गर्म हवा निकलती है या फिर आग निकलती है तो उसे हम क्या क्या कहते हैं, ज्वालामुखी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, ये काफ़ी तरह का हो सकता है, जैसे कि एक तो ज्वालामुखी होता है कि वो कंटिन्यूसली चलता रहे, और एक हो सकता है कि कभी कभार हो। और इससे क्या होता है दोस्तों, इसी वर्ष 2018 में यानी कि पिछले साल की बात कर रहे हैं, ग्वाटेमाला में ज्वालामुखी विस्फोट होने से 33 लोगों की मौत हो गई थी, 20 लोग घायल हो गए थे। ज्वालामुखी का धुआं बहुत ही हानिकारक होता है क्योंकि इसमें जो धुआं होता है वो बहुत ही जहरीला होता है, और विस्फोट होने पर यह 100 किलोमीटर से अधिक के दायरे में फैल जाता है। और उसके बाद में जैसे महावारी, यानी कि जो हमारे क्षेत्र में बहुत बड़ी बीमारी फैल जाए तो उसे महावारी कहेंगे। और जैसे कि यह काफ़ी तरह से हो सकता है दोस्तों, जैसे कि हवा के अंदर कोई वायरस फैल जाए तो उससे भी हो सकता है, या फिर पानी के अंदर कुछ गलत चीज़ मिल जाए तो उससे भी हो सकता है।
2009 में पूरे विश्व में H1N1 इन्फ्लुएंजा यानी कि स्वाइन फ्लू की बीमारी फैल गई थी, इसके बारे में हम सभी को पता है। और दोस्तों अब हम बात करते हैं दुनिया की कुछ प्राकृतिक आपदाओं के बारे में। अमेरिका में तूफान, अमेरिका में सैंडी कैटरीना टोर्नेडो तूफान अब तक हज़ारों लोगों की जान ले चुके हैं। दोस्तों इसमें से ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो कैटरीना तूफान है वो कहाँ पे आया था, तो वो दे देंगे भारत, अमेरिका या फिर जापान, इस तरीके से दे देंगे, तो ये हमें पता होना चाहिए। वर्ष 2012 को आए इस तूफान से हालांकि ज़्यादा लोग नहीं मरे, लेकिन इसने पूर्वी तट से लेकर ग्रेट लेक तक 1300 किलोमीटर का इलाका तबाह कर दिया था और इससे अरबों डॉलर की संपत्ति का नुकसान हुआ था। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों सैंडी तूफान। सैंडी तूफान के कारण अमेरिका में जल प्रलय की स्थिति निर्मित हो गई थी। इस तूफान की भयावहता का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसकी हवाओं की रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटा थी। दोस्तों यहाँ पे जो चीज़ ध्यान रखने वाली है, हमें ये रखना है कि जैसे सैंडी तूफान है वो कहाँ पे आया था, ठीक है, ये चीज़ पूछी जाती है क्वेश्चन पेपर के अंदर। और उसके बाद दोस्तों जैसे कि ईरान में भूकंप आया था, तो इसमें 2012 के अंदर आया था, इसने क्या किया था दोस्तों, 306 लोगों की मृत्यु हो गई थी और 5000 से अधिक लोग प्रभावित हो गए थे। और उसके बाद में जैसे कि हम बात करें दोस्तों, उसके बाद दोस्तों जैसे कि जापान में आई सुनामी, 2011 को जापान में आई सुनामी ने पूरे देश को चपेट में ले लिया। जापान में आई शक्तिशाली भूकंप और सुनामी से परमाणु बिजली संयंत्र में विस्फोट हो गया था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। भूकंप की वजह से परमाणु बिजली संयंत्र में विस्फोट हो गया था और इस विस्फोट की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान वहाँ पर हुआ था। और इस तूफान से क्या हुआ था दोस्तों, वो यहाँ पे पूरी डिटेल दी गई है कि जो परमाणु संयंत्र नष्ट हो गया था उससे क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है, आप आसानी से पढ़ लेना। और उसके बाद में जैसे हम बात करें दोस्तों, जावा सुमात्रा द्वीप में सुनामी, 2004 में 9.3 तीव्रता से भूकंप के चलते हिंद महासागर का सीना सुनामी से दहल गया था। दोस्तों 9.3 जो तीव्रता होती है वो बहुत ज़्यादा तीव्रता होती है, इसके अंदर सब कुछ तबाह होने की संभावना होती है। सुनामी से दोस्तों 14 देश प्रभावित हुए थे, जिसके अंदर मुख्य रूप से भारत, इंडोनेशिया, श्रीलंका, बांग्लादेश और थाईलैंड थे। और उसके बाद में जैसे कि दोस्तों हमने यहाँ पे कुछ प्रमुख तूफान वगैरह दिए हुए, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इनको आप एक बार ज़रूर पढ़ना दोस्तों, ये सभी के सभी आप एक बार ज़रूर ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन आने की संभावना है, वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे कि भोला साइक्लोन है वो कहाँ पे आया था और किस ईयर में आया था, इस तरह से क्वेश्चन इनमें से आए हुए हैं, जैसे कि इसमें एक सुनामी का आया हुआ था। और आगे हम बात करें दोस्तों, जैसे ये है यहाँ पे, ये भी आप देख लेना, एक साइक्लोन से आया था, एक हरिकेन से भी क्वेश्चन आ चुका है। और अब बात करें दोस्तों जैसे कि रिसेंट की बात करें कि 2018 में सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा ये क्या क्या हुई थी वो हम देख लेते हैं। इंडोनेशिया में सुनामी आई थी, सितंबर में इंडोनेशिया में आए भयानक तूफानों और सुनामी में करीब 2783 लोगों की जान चली गई थी। और ये जो तूफान था दोस्तों 7.5 तीव्रता का तूफान था और इसके अंदर 330,000 लोग प्रभावित हुए थे। उसके बाद दोस्तों जैसे कि ग्वाटेमाला में ज्वालामुखी विस्फोट, और इस विस्फोट में क्या हुआ था दोस्तों, 25 लोगों की मृत्यु हो गई थी। ये कहाँ पे आया था, मध्य अमेरिका के अंदर आया था दोस्तों। उसके बाद दोस्तों जैसे कि केरल के अंदर बाढ़ आई थी, भारत के सबसे दक्षिणी राज्य केरल में अगस्त में आई भीषण बाढ़ ने भयानक तबाही मचाई थी। इस प्राकृतिक आपदा में करीब 477 लोगों की जान चली गई थी, हज़ारों लोग बेघर हो गए थे। तो ये थोड़ा करंट का है दोस्तों, ये शायद क्या पता इसमें से कोई क्वेश्चन। और 2018 में दोस्तों जापान के अंदर बाढ़ आई थी और इससे क्या हुआ था कि 200 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई थी। नंबर 5 पे दोस्तों पाकिस्तान में हीट वेव का प्रकोप रहा था, इससे क्या हुआ था दोस्तों, पाकिस्तान के कराची शहर में मई में जो तापमान है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर चला गया था, जिससे क्या हुआ, तेज़ गर्मी, बिजली की कटौती और रमज़ान का महीना होने की वजह से शहर में करीब 180 लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो दोस्तों यहाँ से शायद एक क्वेश्चन आ जाए करंट में। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन जरूर दबाइए, ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों।